हेलो दोस्तों, माय नेम इज मिच चौधरी और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कार इंजीनियर पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा की जो नई गाड़ी रिवील हुई है, टाटा एल्ट्रोज। और दोस्तों, हालांकि 9 दिसंबर तक इस पर एम्बागो है, इसका मतलब इसके ऊपर ओपिनियन हम दे नहीं सकते। हम इस वीडियो में बात करेंगे इसके इंजन स्पेसिफिकेशन की, इसकी आउटर लुक की, क्या इंटीरियर फीचर्स दिए हैं, क्या इसकी स्पेसिफिकेशन है, क्या डायमेंशंस हैं और क्या क्या चीज़ें आपको इसमें मिल जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं सबसे पहले इसके डायमेंशंस के साथ। तो दोस्तों, इस गाड़ी की लेंथ है 3990 mm, विड्थ है 1755 mm और हाइट है 1523 mm। उसी के साथ आपको ग्राउंड क्लियरेंस इसमें मिल जाता है 165 mm का और बूट स्पेस आपको मिल जाता है 345 लीटर का। अब बात करते हैं इस गाड़ी के इंजन की। तो इस गाड़ी को दो इंजन के साथ लॉन्च किया गया है, 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन और 1.5 डीजल इंजन। पहले बात कर लेते हैं पेट्रोल इंजन की। तो दोस्तों, ये 1199 cc यानी कि 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन है, 86 हॉर्स पावर की पावर जनरेट करता है एट 6000 rpm और 113 का टॉर्क जनरेट करता है एट 3300 rpm। इसी के साथ दो मोड्स आपको मिल जाते हैं, इको मोड और सिटी मोड, और गियरबॉक्स आपको मिलता है 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। अब बात करते हैं 1.5 डीजल इंजन की। तो दोस्तों, ये 4 सिलेंडर का 1497 cc का आपको टर्बोचार्ज्ड इंजन मिल जाता है, जो कि 90 हॉर्स पावर की पावर जनरेट करता है एट 4000 rpm और 200 Nm का टॉर्क जनरेट करता है एट 3000 rpm। इसमें भी आपको इको और सिटी मोड मिल जाता है और 5-स्पीड का ही मैनुअल ट्रांसमिशन आपको इसमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों, ये तो होगी इसकी इंजन स्पेसिफिकेशन। अब बात करते हैं कि गाड़ी बाहर से देखने में कैसे लगती है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इसकी फ्रंट प्रोफाइल। तो सबसे पहले चीज़ जो आपको देखने को मिलेगी वो है इसके प्रोजेक्टर हेडलैम्प और उसी के साथ हाई बीम हेलोजन बल्ब आपको दिए गए हैं और वहीं पर इंडिकेटर्स फ्रंट के आपको मिल जाते हैं। नीचे की तरफ चलते हैं तो आपको मिल जाते हैं फॉग लैंप और उसी के साथ DRL इसके साथ अटैच किया गया है। अब बात करते हैं इसकी सामने की फ्रंट ग्रिल की। तो एक तरह का ब्लैक में आपको हनीकॉम स्ट्रक्चर बीच में ग्रिल के फॉर्म में मिल जाता है और सामने के पूरे पैनल यानी कि हेडलाइट से लेके ग्रिल और दूसरी हेडलाइट, इन तीनों को सैंडविच किया गया है एक ब्लैक ग्रिल के बीच में और एक क्रोम ग्रिल के बीच में। ब्लैक ग्रिल आपको टॉप पे मिलती है और क्रोम ग्रिल आपको नीचे मिल जाती है और हल्का सा अंदर की तरफ नीचे से टिल्ट देखने को मिलता है जो इसको एक काफ़ी एजी फील दे देता है। अब चलते हैं नीचे की तरफ। तो आपको डुअल टोन बम्पर मिलता है, बीच में ब्लैक ग्रिल नीचे की तरफ भी डाली गई है और उसके बाद अगर नीचे देखें तो एक प्लेन लाइनिंग नहीं है, वहाँ पर आपको नोच देखने को एक मिल जाता है। उसी के साथ दोस्तों, बोनट पर भी आपको दो लाइंस के एजेस आपको थ्रू आउट दिखेंगी जो एक अलग सी लुक इसको दे देता है। अब बात करते हैं इसकी साइड प्रोफाइल की। तो सबसे पहले चीज़, आपको 16 इंच के अलॉय व्हील आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, हालांकि कुछ वेरिएंट्स में आपको 14 इंच के व्हील्स भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। फ्रंट टायर में आपको मिल जाते हैं डिस्क ब्रेक और रियर टायर्स में आपको मिल जाते हैं ड्रम ब्रेक्स। उसी के साथ इंडिकेटर्स को भी फ्रंट पैनल के साइड में लगाया गया है और ORVM पर नहीं दिया गया। और करें अगर इसके ORVM की, तो टोटली पियानो ब्लैक फिनिश में इसके ORVM दिए गए हैं, साथ ही इसमें हल्का सा क्रोम का टच भी दिया गया है नीचे की तरफ। अगर बात करें तो इस गाड़ी में भी नेक्सन की तरह जो दोनों डोर्स पर विंडोज के नीचे एक लाइनिंग दी गई है पियानो ब्लैक फिनिश की, ए पिलर से स्टार्ट होती है और सी पिलर तक आपको पूरा कवर करती है। अब बात करते हैं एक यूनिक फीचर की जो टाटा ने रियर डोर में किया है। यहाँ पर डोर पर पैनल ना देकर सी पिलर पर आपको डोर हैंडल देखने को मिलेगा। अब चलते हैं गाड़ी की रियर प्रोफाइल की तरफ। तो दोस्तों, पीछे भी आपको फ्रंट की तरह ही एक नोच सा क्रिएट होता हुआ दिखाई देगा, पीछे से बीच में पूरा एक पियानो ब्लैक का पैनल सा दिखाई देगा जिसके साइड में आपको टेल लाइट मिल जाती है और सेंटर में आपको मिलता है टाटा की बैजिंग, उसी के नीचे आपको मिल जाता है एल्ट्रोज की बैजिंग। और अगर हम बात करें टेल लाइट की, तो यहाँ पर भी पियानो ब्लैक फिनिश का काफ़ी यूज़ किया गया है और साथ ही टेल लाइट का एक्सटेंशन साइड में भी आपको काफ़ी आगे तक देखने को मिल जाता है। और ध्यान से देखेंगे तो आपको एल्ट्रोज की बैजिंग के अंदर ही बीच में आपको एक रियर पार्किंग कैमरा आपको देखने को मिल जाता है। तो अब चलते हैं रियर बम्पर की तरफ। तो यहाँ पर आपको पार्किंग सेंसर यहाँ देखने को मिल जाते हैं, नीचे की तरफ आपको स्किड प्लेट मिल जाती है। और बात करें अगर रियर विंडस्क्रीन की, तो यहाँ पर आपको रियर डीफोगर देखने को मिलते हैं, रियर वाइपर देखने को मिलता है और ऊपर आपको पियानो ब्लैक फिनिश में ही आपको स्पॉइलर देखने को मिलता है, साथ ही ब्लैक कलर की आपको कंट्रास्ट में आपको रूफ देखने को मिलती है।
अब बात करते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर्स की। तो सबसे पहली चीज़ कि इसके चारों डोर 90 डिग्री एंगल पर पूरा खुलते हैं। उसके बाद जैसे ही आप अंदर जाएंगे तो आपको डुअल टोन डैशबोर्ड आपको देखने को मिलेगा, जिसमें ऊपर ब्लैक कलर का थीम यूज़ किया गया है, बीच में सिल्वर कलर और नीचे ग्रे कलर का अच्छा इस्तेमाल किया गया है। इसी के साथ लेफ्ट की साइड में आपको 15 लीटर का कूल्ड ग्लो बॉक्स देखने को मिलता है। बात करते हैं इसके टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम की, तो आपको 17.78 का हरमन का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है। के नीचे की तरफ आपको मिल जाते हैं एसी वेंट और उसके कंट्रोलर्स, और नीचे कुछ म्यूजिक के कंट्रोल्स भी आपको यहां पर देखने को मिल जाते हैं। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको इसमें देखने को मिलेगा। नीचे की तरफ आपको यूएसबी पोर्ट मिलता है, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट आपको मिल जाता है, और थोड़ा सा आपको स्टोरेज स्पेस भी आपको यहां पर देखने को मिल जाता है। अगर बात करें गाड़ी के स्टीयरिंग सिस्टम की, तो आपको एक नॉर्मल ब्लैक कलर में आपको ये स्टीयरिंग देखने को मिलता है। लेफ्ट की तरफ आपको म्यूजिक या मोबाइल के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, राइट की तरफ स्टीयरिंग पर ही आपको क्रूज कंट्रोल बटन्स आपको यहाँ पर राइट की तरफ देखने को मिल जाते हैं। बात करें गाड़ी के MID या इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो ये पार्शियली आपको एनालॉग मिलता है और पार्शियली आपको ये डिजिटल मिलता है। साथ ही इस गाड़ी में आपको मिल जाता है पुश स्टार्ट मैकेनिज्म, और इसी के साथ वियरेबल की आपको इस गाड़ी की मिल जाती है, ताकि आपको गाड़ी की चाबी इधर उधर रखने का डर ना रहे। अब चलते हैं रियर सीट्स की तरफ, तो यहाँ पर आपको डुअल टोन सीट्स का जो कलर देखने को मिलेगा, उसके बाद एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको इसमें देखने को मिलेंगी, सेंटर में आर्मरेस्ट भी आपको यहाँ पर दिया गया है, और पीछे वाली सीट्स के लिए रियर एसी वेंट मिल जाते हैं, और 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी आपको मिल जाता है, और इसी के साथ डोर्स में भी आपको स्टोरेज स्पेस यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अब बात करें गाड़ी के बूट स्पेस की, तो 345 लीटर का बूट स्पेस आपको इस गाड़ी में मिल जाता है। अब बात करते हैं इस गाड़ी में क्या सेफ्टी फीचर्स आपको मिल जाते हैं। सबसे पहले आपको मिलता है डुअल एयरबैग, उसी के साथ एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल इस गाड़ी में आपको देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, अगर बात करें कि क्या क्या फीचर आपको टाटा एल्ट्रोज में देखने को मिल जाते हैं, तो एक एक करके वो सारे मैं अपनी स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दूंगा। अगर आपको ये देखने हैं और ज़्यादा डिटेल में पढ़ने हैं, तो स्क्रीन को पॉज कर लीजिए और एक एक फीचर को आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और 5 कलर टाटा ने इस गाड़ी में ऑफर किए हैं। सबसे पहले स्काईलाइन सिल्वर, डाउनटाउन रेड, हाई स्ट्रीट गोल्ड, एवेन्यू व्हाइट और मिड टाउन ग्रे। बात करें अगर इस गाड़ी के कंपटीशन की, तो इस गाड़ी को ह्यूंडई की एलिट i20, मारुति की बेलेनो, होंडा की जैज और टोयोटा ग्लांजा के कंपटीशन में इस गाड़ी को माना जा रहा है। अब बात करते हैं इस गाड़ी के प्राइसेस की, तो हालांकि ऑफिशियली इसका प्राइस अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है, पर अगर आपको ये गाड़ी अच्छी लगी तो 21,000 का एक टोकन अमाउंट देकर आप इस गाड़ी को बुक करवा सकते हैं फ्रॉम 4th दिसंबर 2019 ऑनवर्ड, और करीब करीब 5 से 8 लाख के बीच में ये गाड़ी आपको मिल जानी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी टाटा की एल्ट्रोज। हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैसी आपको ये गाड़ी लगी, क्या क्या इसके फीचर आपको अच्छे लगे, और कौन कौन से एडिड फीचर टाटा को और इस गाड़ी में देने चाहिए थे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक बटन दबा दीजिए, और अगर इसी तरह की वीडियोस आपको और देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की ऑटोमोबाइल वीडियोस नई गाड़ियों पर और नई टेक्नोलॉजी पर इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।